हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। वेलकम है दोस्तों आपका इंडियन पीसी वॉर्स के एपिसोड नंबर 22 में। इंडियन पीसी वॉर एक ऐसी सीरीज है जहां पर आप अपना सेटअप सबमिट करते हैं और हम उसे अपने चैनल पर फीचर करते हैं। अगर आप भी दोस्तों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट द इंडियन पीसी वॉर्स बिगिन। शो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से, जिसका नाम है हसनत, जो कि 14 साल के एक स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो पोटैटो कैटेगरी में होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत ही क्लीननेस मेंटेन रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सेटअप बनाया है और पीछे जो RGB है वहां से एक एम्बियंट मूड क्रिएट करने का काफी कोशिश करी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टाइम टू टाइम एम्बियंट लाइट जो है वो चेंज करते रहते हैं, जैसे कभी ग्रीन कर दी, कभी ब्लू, कभी रेड। बात करें इनके सेटअप के बारे में तो व्हाइट कलर की थीम इनके सेटअप के ऊपर बहुत ज्यादा जच रही है। स्पेशली इनका कीबोर्ड, मॉनिटर और इनका जो प्रिंटर है वो भी व्हाइट है, तो जो इनका सेटअप है वो काफी इनको कूल लुक प्रोवाइड कर देता है। बात करें वही इनके टेबल टॉप के बारे में तो टेबल टॉप तो इनका व्हाइट है, ऊपर से इन्होंने क्लीननेस भी इतनी ज्यादा मेंटेन कर रखी है। और यहाँ पर जो पेरिफेरल्स यूज कर रहे हैं जैसे कि माउस और कीबोर्ड, वो भी वायरलेस है, तो जो यहाँ पर ऊपर आपको टेबल टॉप पे क्लीननेस मिलती वो काफी ज्यादा अच्छी है। बात करें वही केबल मैनेजमेंट के बारे में तो यहाँ पर आपको ऊपर से फिलहाल के तौर पे आपको कोई भी केबल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये स्पीकर भी यूज नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के तौर पे मुझे यहाँ पर कोई स्पीकर दिख नहीं रहा है और कीबोर्ड और माउस वायरलेस है, जिस वजह से जो वायर जनरेट होता है वो बिल्कुल 0% होता है। वही केबल मैनेजमेंट बात करें इनके प्रीबिल्ड पीसी के अंदर की, तो वहां पर भी दोस्तों हालत कुछ अच्छी ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रीबिल्ड पीसी यूज कर रहे हैं तो यहाँ ज्यादातर इनको वायर पर कंट्रोल नहीं मिलता, उसके बावजूद भी यहाँ पर इनका जो केबल मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। बात करें वही इनके पेरिफेरल्स के बारे में तो यहाँ पर ये मॉनिटर यूज कर रहे हैं, 19.5 इंच का डेल का मॉनिटर, टेराबाइट का माउस और कीबोर्ड है, और स्पीकर और हेडसेट है वो सोनी के है। बात करें वही इनके पीसी स्पेक्स की तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंटेल पेंटियम N3700, 4GB की रैम, 500GB की हार्ड डिस्क। ओवरऑल दोस्तों भले इनके स्पेक्स इतने फ्लैगशिप ना हो, लेकिन इनका सेटअप जो है वो काफी अच्छा लुक प्रोवाइड कर देता है। थैंक यू हसनत पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकंड कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम है दिलबाग सिंधु, जो कि 17 साल के एक स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो इनका सेटअप मुझे फर्स्ट लुक में आप देख सकते हैं कि मैंने इनको पोटैटो कैटेगरी में क्यों रखा है। पोटैटो कैटेगरी में होने के बावजूद इनका जो सेटअप है मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि ये वेल ऑर्गेनाइज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर को बहुत इज्जत से रखा गया है, केबल बहुत इज्जत से रखा है, वूफर भी बहुत इज्जत से रखा है, कीबोर्ड पर पन्नी तही हुई है और मॉनिटर माउस भी काफी अच्छे से रखा हुआ है। बात करें इनके टेबल टॉप के बारे में तो भले इनका ब्राउन कलर का टेबल टॉप है तो उतना ज्यादा आपको क्लीन ना लग रहा हो, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि यह इन्होंने पिक लेने से पहले काफी अच्छे से पोछा मारा हुआ है। टेबल टॉप के बारे में बात करूं तो काफी क्लीननेस मेंटेन रखी है, रैंडम स्टफ रखे हुए हैं लेकिन फिर भी केवल लुक वाइज के लिए, मैं नहीं मानता ये यहाँ पर ये ज्यादा स्टफ भी रखे होंगे। वही बात करें केबल मैनेजमेंट के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल माउस रखे हुए हैं टेबल पर, तो केवल एक ही वायर जनरेट होता है। एक यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम करा कि जो कीबोर्ड जो है वो डेस्क के अंदर रखा हुआ है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वायर है वो जनरेट नहीं होता है, तो बाकी बचा हुआ स्पीकर और कैबिनेट उनके वायर इन्होंने पीछे से राउट करे हुए हैं, जिससे कि एटलीस्ट आपको फ्रंट पे लुक अच्छा मिल जाता है। बात करें वही केबल मैनेजमेंट इनके पीसी के अंदर की तो वहाँ अंडर कंट्रोल है, हालांकि क्लीननेस भी इन्होंने बिल्कुल ना के बराबर मेंटेन कर रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गंदगी है। नाउ बात कर लेते हैं अब इनके पेरिफेरल्स के बारे में, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं LG का मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और स्पीकर यहाँ पर ज़ेब्रोनिक से ही यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं Core2 E5700, 4GB की रैम, 1TB की हार्ड डिस्क और GPU यहाँ पर NVIDIA का 2Ten यूज कर रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों भले ही लुक वाइज मैं इनको कुछ खास सजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है, लेकिन जो रियल सजेशन होगा मैं केवल यही देना चाहूंगा कि आपने पहले कैबिनेट को साफ रखें, दूसरा अगर आप प्रोसेसर और GPU को अपग्रेड कर सकते हो तो अपग्रेड कर लें। थैंक यू सिद्धू पार्टिसिपेट करने के लिए। थर्ड कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे, नाम है अश्विन चिन, जो कि 20 साल के एक स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो इनका सेटअप आपको फर्स्ट लुक में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने पीछे RGB लाइट का बहुत ज्यादा हार्डली यूज करा है, जो कि मैं मानता हूँ इनके सेटअप का 90% लुक क्रिएट करती है। बात करें वह इनके टेबल टॉप के बारे में, इनका टेबल जो है बहुत ज्यादा छोटी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेस की यहाँ पर काफी ज्यादा कमी है, इसीलिए यहाँ पर माउस को चलाने के लिए एक्स्ट्रा इन्होंने एक ग्लास लगा रखा है, ताकि इनको सरफेस एरिया वो थोड़ा ज्यादा मिले। वही बात करें अगर क्लीननेस की तो यहाँ पर इन्होंने पिक कोई क्लोजअप की नहीं दी है, तो यहाँ पर क्लीननेस को हालांकि जज नहीं कर सकते,
लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लीननेस इन्होंने ठीक ठाक मेंटेन कर रखी है। एक चीज मुझे यहाँ पर जुगाड़ू वाली बात ये लगी कि यहाँ पर इनको माउस चलाने का सरफेस एरिया काफी कम मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर ये ग्लास का एक पीस रखे हुए हैं जिससे कि थोड़ा बहुत इनको सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। हालांकि मैं ये चीज बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ग्लास है भाई, गिर सकता है और गिरेगा तो टूटेगा जरूर, और अगर टूटेगा तो चोट जरूर आएगी। बात करें वही अगर केबल मैनेजमेंट के बारे में तो यहाँ पर जो है केबल मैनेजमेंट बिल्कुल ना के बराबर किया गया है। टेबल टॉप पर हालांकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हालांकि आप नीचे देख सकते हैं कि एक पावर बॉक्स रखा हुआ जिससे कि सारे कनेक्शन दिए हुए हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे केबल्स जो है वो यहीं पर आकर कनेक्ट होते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत मैसी लुक भी क्रिएट हो जाता है। वही बात करें केबल मैनेजमेंट इनके पीसी के अंदर की, तो हालांकि ये प्रीबिल्ट पीसी यूज कर रहे हैं तो केबल मैनेजमेंट पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदर हालत जो है वो बिल्कुल ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं अब इनके स्पेक्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहे हैं आसुस का 24 इंच का मॉनिटर, माउस जो है अमेज़न बेसिक का है, कीबोर्ड जो है ज़ेब्रोनिक्स के है और स्पीकर आईबॉल का है। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं i3 2100, 6GB की रैम, 1TB की हार्ड डिस्क और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं एनवीडिया का 710। हालांकि मैं यहाँ पर आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा, पहली चीज तो ये कि अपने पावर बॉक्स को अपने कैबिनेट के पीछे रख दें। कैबिनेट के पीछे रखने से होगा ये कि जितने की एक्स्ट्रा वायर्स है वो आपके हाइड हो जाएंगे और आपको जो लुक है वो काफी क्लीन लुक मिल जाएगा। दूसरा सजेशन मैं आपको ये देना चाहूंगा कि इतना रिस्की जगह माउस रखने से अच्छा है आप टेबल टॉप के ऊपर माउस रखें, जिससे कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको अल्टीमेटली ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा माउस चलाने को। बाकी परफॉर्मेंस वाइज अगर आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को इम्प्रूव कर ले, जैसे कि एनवीडिया 750 Ti अगर आप ले सकते हो तो वो ले ले, तो आपको परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिल जाएगा। थैंक यू अश्विन पार्टिसिपेट करने के लिए। फोर्थ कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम है विनीत भट्ट जो कि 19 साल के एक स्टूडेंट है। इनका सेटअप के बारे में बात करें तो इनका सेटअप पोटैटो कैटेगरी के हिसाब से मैं मानता हूँ बहुत ही ज्यादा सॉलिड लग रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने अल्टीमेट ब्लैक और रेड कलर की थीम क्रिएट करने की कोशिश करी है। इनका स्पीकर इनका कीबोर्ड थोड़ा बहुत रेड एक्सेंट दे देता है, वही इनके बाकी के पेरिफेरल्स जो है वो ब्लैक कलर का एक्सेंट प्रोवाइड कर देते हैं। टेबल टॉप के बारे में बात करें तो उन्होंने लेफ्ट साइड पे एक कुत्ता रखा हुआ और राइट साइड में कैलेंडर रखा हुआ है जो कि मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत अच्छा लुक इनको प्रोवाइड कर रहा है। वही बात करें अगर क्लीननेस की तो यहाँ पर इन्होंने क्लीननेस भी काफी ज्यादा मेंटेन कर रखी है। एक चीज मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं है कि ये माउस पैड कौन सा माउस पैड है, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये डायरी या किसी की बुक एज अ माउस पैड यूज कर रहे हैं। बात करें वही केबल मैनेजमेंट की तो इतना ज्यादा पेरिफेरल्स होने के बावजूद भी टेबल टॉप पर काफी अच्छा केबल मैनेजमेंट है। वही अगर आप नीचे थोड़ा बहुत देख सकते हैं तो बाकी के जो इन्होंने वायर्स है जो नीचे जा रहे हैं उनको काफी नाइसली टाई अप कर रखा है जिससे कि जो उनको लुक है वो काफी ज्यादा क्लीन मिल जाता है। वही बात करें केबल मैनेजमेंट इनके पीसी के अंदर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा सॉलिड इन्होंने केबल मैनेजमेंट किया हुआ है। जितने भी वायर्स हैं इन्होंने काफी अच्छे से टाई अप कर रखा है और यहाँ पर तो इन्होंने बिल्कुल टेप से ही चिपका डाला है ताकि कोई एक्स्ट्रा वायर ना दिखे। नाउ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स की। यहाँ पर ये मॉनिटर यूज कर रहे हैं डेल का, HP का माउस है, कीबोर्ड जो है वो कॉम्फल का है, एक जेनेरिक माउस है, स्पीकर दोस्तों यहाँ पर ये टेराबाइट का यूज कर रहे हैं। वही बात करें अगर इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंटेल का Xeon W3690 जो कि एक सर्वर प्रोसेसर है, 8GB की रैम, 512GB की हार्ड डिस्क और यहाँ पर जो GPU है वो यूज कर रहे हैं 1050 Ti, तो डेफिनेटली यहाँ पर इनको गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा सफिशियंट मिल जाता है। हालांकि हो सकता हो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में लैग होता हो। ओवरऑल दोस्तों मुझे पोटैटो कैटेगरी के हिसाब से इनका सेटअप काफी ज्यादा अच्छा लगा है। हालांकि मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छा सा माउस पैड ले ले तो इनका सेटअप जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू विनीत पार्टिसिपेट करने के लिए। फिफ्थ और लास्ट कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम है पारस जो कि 18 साल के एक स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो आप फर्स्ट लुक में ही देखकर ये समझ सकते हैं कि इनका सेटअप जो है वो काफी कॉम्पैक्ट जगह पर बना हुआ है। आप इनकी टेबल देखकर ये समझ सकते हैं कि इनका सेटअप जो है वो काफी कॉम्पैक्ट है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एटलीस्ट इन्होंने अपने पीसी को काफी मैनेज कर रखा हुआ है ताकि जो इनका स्पेस है वो वेल यूटिलाइज्ड हो सके। बात करें वही इनके सेटअप के टेबल टॉप के बारे में तो यहाँ पर ये वायरलेस माउस यूज कर रहे हैं और वही जो ये कीबोर्ड है वो नीचे वाले ड्रॉअर में रखे हुए हैं ताकि जब वो यूज ना हो तो उस ड्रॉअर को अंदर कर दे और अपने स्पेस का काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन भी कर सके। वही बात करें क्लीननेस की तो यहाँ पर ये इन्होंने क्लीननेस को भी काफी मेंटेन कर रखी है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पिक क्लिक करने से पहले काफी सफाई यहाँ पर इन्होंने मेंटेन कर रखी है। एक चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर कार्ड रीडर के लिए बार बार नीचे ना झुकना पड़े, इसलिए यहाँ पर ऊपर इन्होंने सेपरेट USB हब रखा हुआ है जो कि काफी क्लीन तरीके से रखा हुआ है और यहाँ पर ये काफी ज्यादा यूजफुल इनके सेटअप में हो सकता है। नाउ बात कर लेते हैं केबल मैनेजमेंट की। इतना कॉम्पैक्ट सेटअप होने के बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने केबल मैनेजमेंट काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। आपको टेबल टॉप पर एक भी केबल लिटरली देखने को नहीं मिलता,
वही जब आप थोड़ा बहुत नीचे देखते हैं तो हाँ थोड़ा बहुत देखने को मिल जाते हैं, अब पोटैटो के डिग्री में आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब बात कर रहे थे केबल मैनेजमेंट अब इनके पीसी के अंदर की, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वक्त के साथ रह रहे व्हाइट केबल्स और व्हाइट पीसीआई स्लॉट जो है वो येलो हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि कितना पुराना स्पेक्स वाला ये पीसी यूज कर रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर ये सैमसंग का पुराना वाला मॉनिटर यूज कर रहे हैं, माउस और कीबोर्ड लॉजिटेक का कॉम्बो है, स्पीकर यहाँ पर ये क्रिएटिव के हैं। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे पेंटियम 4, रैम यहाँ पर ये 1.5 GB की है और वही हार्ड डिस्क यहाँ पर सीगेट की 75 GB की है। वही बात करें ग्राफिक्स कार्ड की तो यहाँ पर ये रेडियन का बहुत पुराना वाला 200 सीरीज का कोई ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं। बाकी बात आती है सजेशन की तो मैं केवल इनको यही सजेशन देना चाहूंगा कि भाई अगर आप अपना पीसी अपग्रेड कर सकते हो तो कर ले, क्योंकि फिलहाल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है सेटअप में कि आप अपने पीसी को ही अपग्रेड करें। थैंक यू पारस पार्टिसिपेट करने के लिए। वेल तो दोस्तों ये थे हमारे कंटेस्टेंट, आई बटन पर एक पोल दिया हुआ है जहां पर जाकर आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर सकते हैं, जिस भी बंदे को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा विनर होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।